पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानती, इसलिए उनके साथ फानी तूफान की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखना चाहती और मैं इस पर अगले प्रधानमंत्री से बात करूंगी। हम चक्रवात से हुई बर्बादी से निपटने के लिए खुद ही सक्षम है। हमें चुनाव के दौरान केंद्र सरकार से मदद की जरूरत नहीं है। इससे पहले ओडिशा में मीटिंग के बाद बंगाल में भी केंद्र सरकार तूफान के बाद उपजे हालात पर राज्य सरकार के साथ समीक्षात्मक बैठक करना चाहती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने पीएमओ के अधिकारियों से इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी के इस फैसले पर बाद में पीएम मोदी ने भी एक रैली के दौरान हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस चक्रवात में भी राजनीति करने की भरपूर कोशिश की है। चक्रवात के समय मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने बात नहीं की। पीएम मोदी बोले कि मैं इंतजार करता रहा कि शायद दीदी वापस फोन करें, लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों की चिंता में था, इसलिए मैंने दोबारा फोन किया, लेकिन दीदी ने दूसरी बार भी बात नहीं की। दीदी की इस राजनीति के बीच मैं पश्चिम बंगाल के लोगों को फिर भरोसा देता हूँ कि केंद्र सरकार पूरी शक्ति से पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खड़ी है और राहत के काम में राज्य सरकार का हर तरह से सहयोग कर रही है। मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले नामपंथी आए, फिर वामपंथी आए और उसके बाद दमनपंथी आए। दूसरी ओर हम विकासपंथी हैं और विकास की धारा लेकर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा ट्रिपल टी टैक्स से परिचित है। ये ट्रिपल टी टैक्स है, तृणमूल तोलाबाजी टैक्स। कॉलेज में एडमिशन हो, टीचर की भर्ती हो या ट्रांसफर हो, लोग बताते हैं कि सब जगह तृणमूल तोलाबाजी टैक्स लगता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अहंकार में डूबी हुई हैं।